आपकी हमने वीडियो बनाना की साथ में बनाई थी, आप किसी से ज्यादा कर रहे थे, तो इसलिए हमने आपकी वीडियो बनाई, आपको माफ किया है, क्योंकि कोई ऐसा वजूद ही नहीं, ना कोई उसने लड़की ना कोई लड़का और कोई ऐसा वजूद भी नहीं उसने। तो दूसरा मेरा तो उन्होंने बोला कि आप बड़े ये हाथ सस्ते कराते हैं, आपको क्या इसमें लगे, आप मुल्की ये जो है मसले पे हर दफ़ा करते, आपकी बात क्या है। तो मैंने कहा भाई मेरी तो कोई बात नहीं, मैं ना किसी सियासी जमात से बसता हूँ, बस मेरी एक मजहबी जमात है मजलिस जमीयत पाकिस्तान, उसके साथ मुझे पूरे मुल्क में स्पीच करता, बल्कि मुझे ये दो दिन पहले मैं पंजाब कल्चर डे में भी आया, मुझे कोई भी बुलाता ना वहाँ जाता। तो मेरी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं इदारों के लिए रोजाना दुआएँ कराता हूँ, मेरी स्पीच दुआएँ पूरे मुल्क के इदारों के लिए, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से और इस माफ वजी पाकिस्तान से और वजी अला पंजाब साहब से मेरी अपील है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मेरी अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तमाम और बाबे इख्तियार से ये सारी जो मुझे किया है, ये अपील है कि मुझे इंसाफ कराया जाए और मेरी जान माल का तहफ़ दिया जाए मेरे घर बार का, और मुझे जो है सरकारी सपोर्टी भी दी जाए, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो जो मैंने मीडिया के सामने रखा है ये लोग ने दिया। जी मेरे ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो रस्से पहले बांधे गए मुझे, फिर उसके बाद वो पैप और सोटियाँ और उनके पास छड़ियाँ थी और गन्ने पर बट मारते रहे, जो नाली होती है उसकी आगे नाली होती है ना वो भी मारते रहे। आप देख रहे थे कि आपकी आंखें बांधी हुई थी? नहीं, जब वो मुझे मार रहे थे तो देख रहा, जब वीडियो बनाई था फिर उन्होंने मुझे जो है ना इस तरह खड़ा किया और जो वीडियो बनाता था। बद्री साहब ओरिजिनल स्टोरी क्या है, ये तो सारा वाक्य होगा जो आपके साथ हुआ है, इतना तशद्दुद हुआ, इतनी मारपीट हुई, कुछ ना कुछ तो पीछे आपके लम्हे भी होगा। मेरे लम्हे यही है कि मैं जो कोरोना वायरस पे एक क्लिप बनाया था कि फूकों को जो है ना मारते हैं तो आप भी मारे फूके कोरोना पे भी, तो उनके कुछ जाने वाले लोगों ने मुझे जो है कोरोना के जाने वाले लोगों नहीं, कोरोना वायरस पे जो फूके मारते हैं मुल्क में अक्सर लोग फूकों से इलाज करते हैं ना, फूकों से इलाज करते हैं अक्सर लोग, कि मैंने कहा भी आप पकड़ते हैं कि आप इसमें भी जो है ना फूके लगाएं। दूसरा मेरा वो हाथ पे क्लिप वायरल था, उस पर मुझे बड़ी गालियाँ बड़ा कुछ मेरे चैनल पे कमेंट सिखा, तो मैंने कभी एक्शन नहीं लिया, मैं तो अपने जाने वालों में बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूँ। परसों पंजाब कल्चर डे में आया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी मेरे साथ, मैंने एक दरख्वास्त भी दी होगी सिविल सेक्रेटरीट में तो वो मेरे पास मौजूद है, उनके कार्ड उनको मैंने बोला कि मुझे धमकियाँ मिलती हैं, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मगर आज तक उस पर कोई अमल नहीं। पुलिस स्टेशन में कोई दरखास्त दी है? जी मैं दरखास्त अभी मैंने आईजी ऑफिस जो है ना दरखास्त और मैंने जाकर एफआईए में सारे तफसीली जो है ना बात कर आपका ये जो स्टाइल है क्या उस वजह से लोग तो आपसे ज्यादा नफरत नहीं कर रहे, जो नफरत कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, कहीं उन्होंने आपको मना किया है कि आपने इस स्टाइल को थोड़ा सा बदलें? जी मुझे बड़ी धमकियाँ आती हैं कि आप ऐसे लाइव मूव से बात करते हैं, मैंने उनको बोला कि मैंने बोला कि मैं सॉफ्टली पेश कर सकता हूँ कि सारी उम्र रात अपनी बात में हंसी मजाक कर जाते हैं, मजाक से बात समझा जाते हैं मजाक, तो मैंने कहा मैं अकेला नहीं करता, मेरी अगर किसी को बात चुपती है तो उनको नहीं, मेरे चाहने वाले मेरे जो चाहने वाले वो मेरी बात लाइक करते हैं। अच्छा पहला आपका जो शक है वो इस बात पे कंफर्म हो रहा है कि जो खूब शायद उस पर आपने कहा है कि कोरोना की वजह आपने किया है, पहला आप शक कर रहे हैं? नहीं, मेरा किसी को शक नहीं, मेरा वो का वही मारा ना, पूछा ही नहीं है, इसको कहीं मारते हैं एयर नहीं होता। सच्चा एक बात रहेगा कि हमको मारने वाली कोरोना वायरस की जो फुटेज थी इससे पहले भी आपको धमकियां थी? इससे पहले जो है ना वो एक दफा आई थी जब मेरा जियो पे आज का क्लिप चला था। हाँ जी, वो
जी मुझे रात जब होटल से गया हूँ तो मुझे तकरीबन 10 बजे से तकरीबन और पहुँचते हमें फजर हो सकता। अल्लामा साहब दीगर उलमा किधर है, वो आपकी स्पोर्ट में किधर है? जी मैंने अभी किसी से रब्ता नहीं किया, मैं जो है ना इसलिए डायरेक्ट मीडिया के पास आया हूँ क्योंकि मैं किसी भी जमात के प्लेटफार्म पे जो बात करता हूँ ना वो किसी को सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई आदमी कहे खाली मेरे प्लेटफार्म को सपोर्ट करे तो अभी मैं इंशाल्लाह अपने उलमा इकराम से रब्ते में हूँगा इंशाल्लाह। जो कतई मशीर है, एक सवाल है कि अगर लाए अहमद जो है वो क्या